हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू एडविला पॉइंट। तो बेटा, आज की हमारी ये पूरे वीक की वर्कशीट है ईएमसी की, वर्कशीट नंबर 15, क्रिटिकल थिंकिंग पार्ट 1, समीक्षात्मक सोच। तो आज एक नया टॉपिक है, सोचना है क्रिटिकली, ठीक है, समीक्षा करते हुए। क्या आप इस तालिका में दी गई बातों पर विश्वास करते हैं? हाँ, ना या कभी कभी, ऐसे ही आंसर देने हैं, तीन ऑप्शन हैं, ठीक है। तो इससे आज के हमारे टॉपिक के बारे में क्लियरिटी और आएगी। अखबार का एक विज्ञापन कहता है कि देश की सबसे अच्छी कोचिंग, कि वो देश की अच्छी कोचिंग क्लास है। विश्वास करते हैं? नहीं भाई, ना है कि नहीं। तो हम यहाँ पे ना की जगह नहीं लिख लेते हैं कि नहीं करते, क्योंकि सबसे अच्छी कोचिंग क्लास तो कोई भी हो सकती है। तो हमने ये कैसे लिखा, कुछ सोचा होगा? नहीं भाई, इससे बढ़िया हमारे यहाँ भी पढ़ाते हैं, तो ये नहीं है। व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है, कल दिल्ली में भूकंप आने वाला है। तो कभी कभी तो कई लोग कर ही लेते हैं कि क्या सच में आने वाला है ना। रोज 10 मिनट प्रार्थना करने से मार्क्स अच्छे आते हैं। तो इस विश्वास कभी कभी तो होता है कि हाँ भी, प्रार्थना तो करनी ही चाहिए, पढ़ाई लिखाई के साथ ऊपर वाले को मानना चाहिए। दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या हल करना नामुमकिन है? नहीं, इस पे तो हम विश्वास नहीं करते, ठीक है ना। तो इस तरह से ये ऑप्शन आप लोग लिख सकते हैं, आपके लिए भी ओपन है ये आंसर, आप लोग भी इसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है। इन सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमने क्या किया, क्रिटिकली सोचा इनके बारे में, है ना, कि हाँ ये चीजें होती है कि नहीं होती है, बातों के पीछे उनके कारण जाने, प्रमाण देखा, तथ्य को समझे और फिर सही निर्णय पे पहुंचे हैं। और इसके लिए जरूरी है कि हम प्रश्न पूछें। तो वर्कशीट में हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता को समझने और उसका अभ्यास करने में आगे ये वर्कशीट हमारी हेल्प करेगी। आइए एक एक्टिविटी गतिविधि को ठीक से समझते हैं। आप घर में आने वाले किसी अखबार या मैगजीन का एक पन्ना ले लीजिए, उस पर दी गई खबरों और विज्ञापनों को ध्यान से देखिए और कोई एक ऐसी खबर या विज्ञापन खोजिए जिस पर आप विश्वास करेंगे और एक ऐसी जिस पर आप विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है। उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखें, तालिका है ना नीचे, हाँ। तो अखबार देखते समय आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर किसी खबर विज्ञापन की विश्वसनीयता पता लगा सकते हैं कि क्या खबर या विज्ञापन में तथ्य दिए गए हैं, मतलब उसमें कोई ऐसे फैक्ट्स हैं जिसके बेस पर हम इसमें विश्वास करें। कौन सी खबर या विज्ञापन किसी भी व्यक्तिगत राय जैसी लग रही है, किस खबर विज्ञापन के साथ उसके सच के प्रमाण की बात की गई कि हाँ भाई ये खबर या विज्ञापन सच है, प्रूफ के साथ। तो हम ये सब चीजें सोच रहे हैं ना कि क्या तथ्य हैं, क्या व्यक्तिगत राय जैसी लग रही है कुछ, क्या प्रमाण मिल रहे हैं उसके सच होने के, क्या खबर और विज्ञापन के साथ उसका सोर्स, कहाँ से खबर आई है, विज्ञापन कहाँ से आया है, ये खबर कहाँ से आई है, ये सब पता चलेगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप लिखेंगे यहाँ पे विश्वास है कि नहीं, खबर विज्ञापन, ठीक है। तो कोई भी एक खबर विज्ञापन, इस विज्ञापन पर मुझे भरोसा हो रहा है क्योंकि मान लीजिए खबर है कि हमने पढ़ी खबर कि दिल्ली में बढ़ता कोविड, तो हाँ हमें भरोसा है। क्यों? क्योंकि साथ में आंकड़े भी दिए जा रहे हैं, है ना, आंकड़े भी दिए गए हैं। तो ये हो गया। अब एक खबर और है कि मान लीजिए ये तो एक खबर हो गई, दूसरी खबर कोई लिख लेते हैं यहाँ पे,
तो इस तरह से दूसरी खबर है जिसपे हमें विश्वास ना हुआ हो, कोई भी विज्ञापन लिख लीजिए कि देश का सबसे अच्छा हॉस्पिटल, कोई हॉस्पिटल का नाम दे दिया गया है। तो इस खबर पे हमें विश्वास नहीं हुआ, नहीं हुआ क्यों? क्योंकि आंकड़े नहीं थे, है ना, आंकड़े या प्रमाण उपलब्ध नहीं थे। तो इस तरह से आप लोग भी कोई खबर यहां पे ले सकते हैं और बता सकते हैं यहाँ पे, जैसे दिल्ली में बढ़ता पोल्यूशन, प्रदूषण, कुछ भी ऐसी खबर, कोई भी खबर आप अगर अखबार में देख रहे हैं तो कमेंट में भी जरूर बताइएगा। तो इसी तरह लोगों से बात करते समय हम प्रश्न पूछकर उनसे सही जानकारी ले सकते हैं। नीचे दी गई स्थिति को पढ़िए और बताइए, और स्थिति पे आप क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए रोहन, सुना ना कल दिल्ली में भूकंप आने वाला है, तो ये सिचुएशन पे प्रश्न पूछा जा सकता है। भाई आपको कैसे पता भूकंप आने वाला है, किस टाइम पे आने वाला है और क्या प्रमाण है, यही तो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो रोहन, इस बात पर विश्वास करना है या नहीं, इसके लिए आप रोहन से सवाल पूछ सकते हैं कि भाई यही बात कि आपको कैसे पता, आप इसे खुद लिखेंगे कि कैसे पता कि भूकंप आने वाला है और किस टाइम पे आने वाला है और इसके प्रमाण क्या है, है ना, यही सब तो पूछोगे। तो किसी भी प्रकार की राय बनाने और निर्णय लेने से पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम इस चीज को जरूर करें, चीजों को देखें, सुने, समझें, बारीकी से अवलोकन करें, तब अपनी राय बनाएं और निर्णय लें। किसी भी जानकारी पे विश्वास करने के लिए तथ्य का तार्किक ढंग से विश्लेषण करना चाहिए, वरना विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आज की वर्कशीट बड़ी प्यारी सी थी, है कि नहीं, कि सोचिए, क्रिटिकली थिंकिंग रखिए, सोचिए, उसके बारे में समीक्षा कीजिए और तभी कोई बात पे यकीन कीजिए। तो इस तरह से आज की वर्कशीट पूरी होती है। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।